नमस्कार, मैं रवि गुप्ता। आप सब देख रहे हैं गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़। सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछले 2 दिन से शहर में गोरखपुर महोत्सव का आयोजन हुआ था, तो इसको लेकर हमारे चैनल ने कवरेज किया और पेश है आपके सामने गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ द्वारा गोरखपुर महोत्सव की कुछ झलकियाँ। इसको आप देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है? और कुछ ज़रूरी सुझाव देना हो तो ज़रूर दीजिएगा। आपका सारे सुझाव स्वागत योग्य रहेंगे। रामगढ़ ताल पे शिफ्ट हुआ है, कैसा लगा? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी ग्लोरियस। आयोजन तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से गूंगे के मुंह पर रसगुल्ला डाल दिया जाए और उससे पूछा जाए कैसा लग रहा है। कोरोना ने कुछ इफेक्ट डाला है? नहीं, कोरोना का कोई असर नहीं है। अब धीरे धीरे कोरोना वुहान लौट चुका है, अब यहाँ कहीं कुछ नहीं है। जी, चूंकि मेरा जो गोरखपुर है, गोरखपुर में पूज्य महाराज जी की जो भी सोच है गोरखपुर के प्रति और पूरे उत्तर प्रदेश के प्रति, उसी क्रम में एक विशाल झंडे का भी आज उद्घाटन हुआ है। ये बहुत सुखद अनुभूति है गोरखपुरवासियों के लिए, निश्चित रूप से। और मैं चूंकि एक राष्ट्रभक्त हूँ तो राष्ट्रभक्त तो सलामी देता ही है राष्ट्रीय ध्वज को। हाँ हाँ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपने सलामी दिया? हाँ, सलामी दिए। महोत्सव पे आते हैं, महोत्सव पहली बार यूनिवर्सिटी से चलकर इधर। हाँ हाँ हाँ, रामगढ़ ताल के ऊपर। कोरोना का कुछ नहीं इफेक्ट लगा है। महोत्सव पहली बार डीडीयू से चलकर रामगढ़ ताल में हो रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ उतनी व्यवस्था नहीं की गई है जितना डीडीयू में किया गया था, उसके अपेक्षा यहाँ थोड़ा कम है। लेकिन फिर भी जी, फिर भी कोरोना की वजह से जगह महोत्सव होते थे नहीं जी, यहाँ पे फिर भी महोत्सव कराया जा रहा है। ये बहुत अच्छा काम है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर घूम कर सारी चीजों को देख कर। अगर ये महोत्सव नहीं होता 2 या 3 दिन का तो हम इसे बहुत मिस करते हैं। आपके शहर में जी प्रदेश का सबसे बड़ा झंडा लगाया गया जिसका उद्घाटन हुआ, इस पर कुछ कहें? जैसा कि मैं समझता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए और गोरखपुर के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे यही रामगढ़ ताल पे इतना ऊंचा तिरंगा फहराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम सभी के लिए गौरव का विषय है। और हम सबको ये बहुत ही अच्छे से सोचना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कितना अच्छा कार्य किया है कि लोग दिया झंडे जी, सलामी दिया झंडे को। बिल्कुल, मैंने सलामी दिया पूरे झंडे को, तिरंगे तो पूरा हिंदुस्तान सलामी देता है सर। मैं देता हूँ, आप भी देते हैं। उत्सव में कोई याद के तौर पे कुछ ले जा रहे हैं? उत्सव के याद पे तौर पे यही है कि पब्लिक आई हुई है और तरह तरह की चीजें यहाँ पे आई हुई है आपके गोरखपुर में, तो बस इसको सेलिब्रेट करिए और यादें यही है। कुछ दखल डाल पाया उत्सव में? कोरोना कोई दखल नहीं डाल पाया, सावधानी जरूरी है भैया। यहाँ पर ज्यादा अच्छा है क्योंकि हमें लगता है कि थोड़ा सिटी से आउटर में है, यहाँ पर लोगों का कन्वीनियंट रहता है, आ जाते हैं आराम से, आ जाते हैं और यहाँ खुला ज़्यादा लग रहा है। कोविड-19 ने कुछ इफेक्ट किया महोत्सव? बिल्कुल किया है, आप उसके वजह से देख लीजिए, जैसे कि नाइट शो जो हम लोग का होता था, बॉलीवुड नाइट होता था, कहाँ हो रहा है, कोई भी मतलब बुलाया नहीं गया, बस यहाँ पास के जो सारे वो लोग हैं उन लोग कर रहे, नहीं तो हमेशा बाहर से आते थे, बड़े बड़े सिंगर्स आते थे। प्रदेश का सबसे बड़ा झंडा आपके शहर में आज जिसका शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन हुआ है, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भैया। वो एक्चुअली में मतलब आप जब उधर जाते हैं रामगढ़ ताल साइड में, वहाँ पर नौका विहार, तो अलग ही वहाँ पर मतलब एक सुकून सा मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है बाहर आके, और फिर इतना अच्छा वो झंडा वहाँ पर फहराता, सुंदर लगता है देख के, मतलब काफी। धन्यवाद, थैंक यू।